बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फिरोनेस इन्वर्टर 5.5 किलोवाट और इसकी आइडियल प्रोग्रामिंग जो है वो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ये बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रामिंग है, कराची के हवाले से स्पेशली डिज़ाइन है। ये प्रोग्रामिंग मेगा सिटीज़ में बहुत इफेक्टिवली रोल प्ले करती है नॉर्मल फैमिली के लिए, जहाँ पर लोड शेडिंग रात में एक दो घंटे की है और दिन के अंदर लोड शेडिंग है, बेल्ट के साथ इसको आइडियल प्रोग्रामिंग कंसिडर कर सकते हैं। तो इस वक्त हम प्रोग्रामिंग मेन्यू में जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर हमने इसमें सिलेक्शन रखी है सोलर यूटिलिटी बैटरी, ताकि फर्स्ट प्रायोरिटी सोलर है, सेकंड वापरा है, थर्ड बैटरी है, मतलब सेकंड प्रायोरिटी हम के इलेक्ट्रिक रखेंगे हमेशा। मैक्सिमम चार्जिंग 60 एम्पेयर है, वापरा प्लस सोलर। इसके बाद अप्लाइंस मोड है। अप्लाइंस मोड का मतलब ये कि मिनिमम 90 वोल्ट मैक्सिमम 280 वोल्ट के दरमियान ये इन्वर्टर खुद काम करेगा। फ्लडेड बैटरी, जो पानी वाली बैटरीज हम यूज़ करते हैं नॉर्मल, उसके लिए फ्लडेड टाइप सेलेक्ट की जाती है। इसमें ट्यूबलर बैटरीज भी आ जाती हैं और ट्रैक्टर की ट्रकों की बैटरीज भी इसमें शामिल होती हैं। 6 और 7 जो है इसका एक हीटअप के लिए होता है और ओवरलोड के लिए होता है। दोनों पोजीशंस के अंदर ये ऑटो रिस्टार्ट होगा। 9 पॉइंट है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है फिर करंट की जो 50 है, और 230 वोल्ट ये आउट करेगा। ये इसके अपने यूटिलिटी, इसकी मैक्सिमम चार्जिंग 50 एम्पेयर तक है, लेकिन हम नॉर्मल 30 एम्पेयर रखेंगे ताकि हमारे यूनिट भी नॉर्मल स्पीड में गिरें और बैटरीज पे भी असर ना पड़े। इसके बाद हमने इसमें जो 12 नंबर पॉइंट है, सबसे क्रूशल पॉइंट है कराची के हिसाब से, ये है कि हमारी बैटरीज बेशक फुल हो सोलर पे, शाम के टाइम पे कि इलेक्ट्रिक ऑटो हमारे सिस्टम को चलाती रहे, तो जब रात में लाइट जाती है 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए आपके एसी चल रहे हैं, लोड चल रहा है, तो वो ऑटो बैटरी से चल जाएगा। 1 घंटे के बाद लाइट आएगी तो आपके सिस्टम में वापस डाउन हो जाएगी, तो उससे ये होगा कि आपके यूनिट्स रात के टाइम पे बैटरी चार्जिंग के लिए कंज्यूम नहीं होंगे, जिससे आपकी बहुत मेजर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सेविंग होगी। तो इसके लिए हमने ये सेटिंग रखी है पॉइंट्स की कि बैटरी हमारी फुल हो और वापडा बाईपास कर दे हमारे सिस्टम को। ये जो सेटिंग है 30 नंबर पॉइंट, ये है मैक्सिमम चार्जिंग। तो अगर तो हम ट्यूबलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो इसको हम 56 पे सेट करेंगे, और अगर हम नॉर्मल ट्रैक्टर वाली बैटरीज यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर हम 4 पॉइंट कम करके इसको 52 पे सेट करेंगे। 16 और सबसे लास्ट सेटिंग 050। हमने ये प्रोग्रामिंग इसलिए की है कि कुछ भी हो जाए के इलेक्ट्रिक हमारी बैटरीज को चार्ज नहीं करेगी, सिर्फ सोलर ही हमारी बैटरीज को चार्ज करेगा। तो ये सेटिंग जो है ये इस इलेक्ट्रिसिटी सेविंग के हवाले से आइडियल कंसीडर की जाती है। तो अगर आप चाहते हैं, कोई क्वेरीज हैं, कोई परेशानी है, तो इस सेटिंग को अप्लाई करके देखें, इंशाल्लाह आपको आइडियल रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।